जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्वेल्थ के बाद हम कौन सा कोर्स करें जिससे हमें जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन हो और हमारा करियर जल्द से जल्द सेट हो जाए। तो आज मैं आपको 10 ऐसे बेहतरीन कोर्स बताने वाला हूँ जिनको करने के बाद में आपकी लाइफ सेट हो सकती है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक एक कोर्स को मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों के 12th के बाद में, यदि आपने 12th PCM से किया है, आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, BA कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल आप ग्रेजुएशन कोर्स BA कर सकते हैं। अब BA आप क्यों करें, इसको करने के फायदे क्या हैं, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। BA सभी जानते हैं कि BA आप कर सकते हैं। अब हम BA की बात करते हैं, यदि आपका टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद में BA करने के बाद में BEd कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BEd कर सकते हैं। BEd करने के बाद में जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जैसे आपका UPTET है, आपका UTET है, रीट है, तो इस तरीके से आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनको आप एग्जाम को क्लियर करने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एक तरीके से टीचर बनने के लिए। गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जो स्टेट के, और उसके बाद में सुपर टेट के एग्जाम होता है, यदि वो आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप जो स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। या फिर आप इसके बाद में जो सेंट्रल का एग्जाम होता है CTET, वो एग्जाम आप दे सकते हैं। वो पूरे सेंट्रल के लिए होता है, यानी कि पूरे इंडिया के लिए होता है। जैसे केंद्रीय विद्यालय है उनमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यदि आपका CTET का एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो BEd आप कर सकते हैं, इसके बाद में आप MA, यानी कि BA के बाद MA कर सकते हैं। MA क्यों करें, देखिए यदि आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर, जैसे आपको हिंदी का बनना है, इंग्लिश का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, किसी भी एक सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको पढ़ाना है, तो आप क्या करिए, पहले आप BA करिए। BA करने के बाद में आप क्या करिएगा, MA, यानी कि आपका मास्टरेट हो जाएगा किसमें भैया, आर्ट में। उसके बाद में जो जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उससे आप एमए करेंगे। एमए का जब आपका फाइनल ईयर होगा, यानी कि जब आपका सेकेंड ईयर होगा, फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे नेट का, यानी कि UGC नेट का आप फॉर्म भरेंगे। और UGC नेट का यदि आपका फॉर्म जो है, यानी कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो आप एज एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि पे काम करने के लिए। यानी कि आप विश्वविद्यालय या आप महाविद्यालय में काम कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यदि आप UGC नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। और यदि उसमें आपका अच्छा रैंक आ जाता है UGC नेट में, तो फिर आपको मिल जाता है GRF, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि फिर आप सेंट्रल या आपका स्टेट यूनिवर्सिटी से क्या कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं। उसके लिए आपको हर मंथ क्या मिलती है, फेलोशिप मिलती है, यानी कि पढ़ाई करने के लिए पैसा मिलता है, आपकी PhD एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है यदि आप अच्छे से, आपका अच्छा स्कोर होता है UGC नेट में। तो ये बेनिफिट है आपका MA का। इसके आगे बात करें, आपको यदि क्या करना है, स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है, आप कोई गेम खेलते हैं या आप कोई योगा ट्रेनर हैं, आप योगा के टीचर हैं या आपका कोई जिम है, इस टाइप से यदि आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी भी स्पोर्ट्स को आप खेलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, BPEd कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BPEd, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, जैसे आपने हर स्कूल में देखे होंगे PTI टीचर, तो PTI टीचर जो लगते हैं वो वही लगते हैं जिन्होंने क्या किया हुआ होगा, BPEd किया हुआ होगा, यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद में BPEd के बाद आप MPEd भी कर सकते हैं, मास्टर डिग्री भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो कोर्स है, फिर आप BA के बाद में MBA भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही है, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, मास्टरेट हो सकते हैं एज अ मास्टर इन बिजनेस एप्लीकेशन में। इससे आगे नेक्स्ट है, आप यदि आपको कानूनी पढ़ाई अच्छी लगती है, यदि आपको किसी कंपनी में एज अ एडवाइजर लगना है, या आपको अपना चैम्बर खोलना है, एडवोकेट बनना है, या आपको लॉयर बनना है, या आपको जज बनना है, तो आप क्या कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, LLB करने के बाद में आप PCSJ का एग्जाम दे सकते हैं, जिसको करने के बाद में PCSJ का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप जज बन जाते हैं। उसके लिए भी कई सारे प्रोसीजर हैं, तो LLB करने के बाद में ही आप लेकिन फॉर्म भर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट
जो नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि बीए करने के बाद में जो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपका एसएससी सीजीएल है तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, तो बीए करने के बाद वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, बस उन फॉर्म को छोड़ के जिसमें टेक्निकल मांगा जाता है। जैसे आपके कुछ कोर्स, कुछ जो आपकी वैकेंसीज हैं उनमें टेक्निकल मांगा जाता है कि बीटेक आपने सीएस से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, तो वो चीज हो गई अलग। यदि आपका ग्रेजुएशन मांगा जाता है, नॉर्मली ग्रेजुएशन, तो आप बीए करने के बाद में वो सारे फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग का हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो आपका फिर रेलवे का हो, किसी का भी आपका फॉर्म हो, चाहे वो आपका यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस का हो, तो वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो यानी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्या करें, ट्वेल्थ अपना करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर दें और साथ के साथ तैयारी करते रहें और साथ के साथ अपना बीए भी करते रहें। तो ये हो गई हमारी बीए के बाद, यानी कि बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, बीए करने के आपको क्या क्या एडवांटेज हैं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, यानी कि जैसे आपको कानूनी पढ़ाई करनी है, यानी कि कानूनी पढ़ाई करनी है या आपका एम है आपको जज बनना है, तो आप स्टार्टिंग से ही क्या करें, बीए ना करके फिर आप क्या करें, बीए एलएलबी करें या बीबीए एलएलबी करें। तो इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। तो होगा क्या, जब आप ट्वेल्थ कर साथ बाद में आप बीए एलएलबी के लिए जाएंगे तो तभी से आपको क्या पढ़ाया जाएगा, लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। यानी कि बीए के सब्जेक्ट के साथ साथ आपको क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, लॉ के सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके 3 साल होंगे तो आपको 3 साल बाद बीए की डिग्री मिल जाएगी और फिर उसके 2 साल बाद आपको किसकी डिग्री मिल जाएगी, एलएलबी की। तो यानी कि यहां पे आपको 5 साल के अंदर बीए भी आपका हो जाएगा और एलएलबी भी। यहां पे आपके लगेंगे कितने, 6 साल, यानी कि 3 साल यहां पर और 3 साल यहां पर। एक तो आपका टाइम बचेगा यहां पर और दूसरा आपको क्या बेनिफिट होगा, आपको नॉलेज ज्यादा होगी क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही लॉ पढ़ते हुए आए हैं, उसी के साथ साथ आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं पीसीएस जे की। तो आप समझ गए होंगे आप क्या कर सकते हैं, भाई बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। बीए एलएलबी करने के ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट में ही जो इसकी जॉब होती है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज्यादा जॉब है। जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनी है, सभी कंपनीज में एडवाइजर होते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां पर भी हम बात करें वहां पर क्या होते हैं, एडवाइजर होते हैं। जो आपके सीए की फर्म होती है वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब है आपका बीए एलएलबी की, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसी निकलती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपका, जो आपका बी एल एल बी करने के बाद आप एल एल एम बी कर सकते हैं, अपना मास्टर्स कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो करियर ऑप्शन है वो है आपका बीबीए। क्या है भाई आपका, बीबीए यानी कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। यानी कि या कोई आपका फिर बिजनेस है, बिजनेस को आपको अपना आगे ग्रोथ करना है या आपको अपना बिजनेस करना है आगे चल के, तो आप क्या कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, सबसे बेस्ट कोर्स है। और इसके साथ साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज होते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। तो बीबीए आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, वो आप कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको यदि एक साथ बीबीए करने के बाद में आपको जॉब भी मिल सकती है, यानी कि डायरेक्ट आप जॉब कर सकते हैं, या फिर आपको एक अच्छी पोजीशन पे जॉब करनी है या आपको अच्छे पैकेज पे ज्वाइन करना है, तो बीबीए आप कंप्लीट करें, बीबीए करने के बाद में फिर आप अपना एमबीए कर सकते हैं, यानी कि बीबीए मास्टर डिग्री कर सकते हैं बीबीए करने के बाद में। तो बीबीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं भाई, आप अपना एमबीए कर सकते हैं। इससे आगे नेक्स्ट है आपका, यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, यानी कि आपको कंप्यूटर अच्छा लगता है, कंप्यूटर आपको एप्लीकेशन, वेबसाइट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब सारी चीजों में इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, बीसीए यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर में आप जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे एप्लीकेशन बनती है। आप जैसे देखते हैं पबजी गेम हो गया, जो भी चीजें हो गई वो सब कौन बनाते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होते हैं, वो बीसीए वाले बच्चे और आपका बीटेक सीएस वाले बच्चे, आपका बीएससी सीएस वाले बच्चे, ये सभी लोग ही इसको बनाते हैं। तो यदि आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो वो आप इसकी तरफ जा सकते हैं, बीसीए आप कर सकते हैं। इसका स्कोप कभी भी मार्केट में कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक टेक्नोलॉजी जो है किससे जुड़ी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, और ये कभी भी स्कोप कम होने वाला नहीं है। इसकी जो वैकेंसी है दिन प्रतिदिन बढ़ने ही वाली है। आप देखते हैं रोज एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है,
रही है और वो किससे जुड़ी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। बीसीए करने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं, जो कि क्या होगा आपका बीसीए के बाद में 2 साल का होगा। एमसीए आप बीएससी के बाद भी कर सकते हैं लेकिन वहां पर 3 साल का होता है। तो बीसीए के बाद में आप क्या कर सकते हैं, अपना MCA कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपका अपना NGO है या आप NGO खोलना चाहते हैं या आप एज अ CA की पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं या आप CA करना चाहते हैं या आप CA के यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, BSW यानी कि क्या कर सकते हैं भैया, बैचलर इन सोशल वर्क, सोशल वर्क की तरफ आप जा सकते हैं। इसमें आप BSW के बाद में फिर आप MSW कर सकते हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट करियर ऑप्शंस है वो है आपका कि आप BJMC कर सकते हैं, यानी कि आपको बोलना अच्छा लगता है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपको टीवी में एंकर बनना है, रिपोर्टर बनना है, आपको यदि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप क्या कर सकते हैं, BJMC कर सकते हैं। यानी कि आप क्या कर सकते हैं भाई, आपका BJMC बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। काफी अच्छा कोर्स है, काफी पॉपुलर है, आपको अपना जो सोशल मीडिया या किसी भी तरीके से आपको अपना, आपको अपने ब्लॉग से लिखने हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप सोशल मीडिया हैंडल चलाना चाहते हैं तो आप BJMC कर सकते हैं। काफी पॉपुलर कोर्स है, आज की डेट में काफी डिमांड है, तो जॉब भी बहुत है। इसके बाद में आगे बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं, BFA यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट, बहुत ज्यादा डिमांड है आज की डेट में, बहुत ज्यादा इसकी जो डिमांड है क्योंकि BFA यानी कि बैचलर इन फाइन आर्ट काफी डिमांडेबल कोर्स है। जॉब वैकेंसीज प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है, गवर्नमेंट ऑप्शंस कम है लेकिन प्राइवेट में आपका इसका अच्छा खासा स्कोप है। इससे आगे नेक्स्ट बात करते हैं भाई, आपका BFA के बाद आप MFA भी कर सकते हैं, BCOM आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, आप BCOM कर सकते हैं यानी कि कॉमर्स में यदि आपका इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग की फील्ड में आप जाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, यदि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो फिर आप BA ना करके BCOM करिएगा क्योंकि उसमें आपको फिर सब सारी चीजें अकाउंट से रिलेटेड ही पढ़ाई जाती है, तो आपको हेल्प मिल जाती है जब आप गवर्नमेंट का एग्जाम देने के लिए जाते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो फिर आपको हेल्प मिलती है BCOM से। फिर आप क्या कर सकते हैं, BCOM, BCOM के बाद में आप क्या कर सकते हैं भाई, MCOM कर सकते हैं, अपनी मास्टर डिग्री और MBA भी कर सकते हैं, यानी कि आप MBA भी कर सकते हैं और MCOM भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है आपके पास में। और आप BEd भी कर सकते हैं, LLB भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप यही दो कोर्स कर सकते हैं, आप जो है अपना LLB भी कर सकते हैं, BEd भी कर सकते हैं और भी जो कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हैं। इससे आगे लास्ट जो नेक्स्ट है वो आपका वो है DEd यानी कि आपको 12th के तुरंत बाद टीचिंग का कोई ऐसा कोर्स करना है जिससे आप टीचिंग की तरफ जा सके तो वो आप कर सकते हैं, क्या DEd, क्या डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो आप DEd कर सकते हैं जिसमें आप 12th के बाद डायरेक्ट आप कर सकते हैं और DEd करने के बाद पर आप BEd भी कर सकते हैं। तो DEd आपका 2 साल का कोर्स है, डायरेक्ट आप 12th के बाद आप DEd कर सकते हैं। इसमें टीचिंग के लिए आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, फिर आप इसमें टीचर बन सकते हैं। इसके बाद में जो लास्ट है आपका वो है BHM यानी कि बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, बहुत सारी इसमें भी जॉब आती है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट में, जो आपका हम एयरलाइन की बात करें या जो बड़े बड़े होटल हैं, इंडस्ट्री है, उनमें बहुत सारी जॉब आती है, तो आप BHM भी कर सकते हैं। यदि आपको खाना बनाना या आपको सर्व करना ये सब सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप BHM भी कर सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको जितने भी कोर्सेज थे, अच्छे अच्छे टॉप मोस्ट कोर्सेज हैं वो आपको बता दिए हैं, और यदि आपको अभी भी किसी कोर्स के बारे में जानना है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस टॉपिक पर वीडियो या मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ साथियों, यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो यदि आप भी स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया में आते हैं तो हो सकता है आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप रजिस्ट्रेशन अपना अवश्य करें, उसका किसी भी टाइप का कोई शुल्क नहीं है, यानी कि कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।